नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मजा में? मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मेरा तुलसी का प्लांट है जो सर्दियों में इसकी कंडीशन आप देख सकते हो कैसी हो गई है। तो हम तुलसी प्लांट को हरा भरा फिर से कैसे बनाएं, फिर से इसकी ग्रोथ कैसे स्टार्ट करें, इसके बारे में पूरी क्रिएटिव आपसे बताऊँगा। और जो आप फॉलो करके अपने तुलसी प्लांट को फिर से नया और हरा भरा बना सकते हो, तो उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने जो ऑयल का डिब्बा आता है उसमें लगा के रखा है। तो सबसे पहला ज़रूरी काम हमें ये करना है कि जो गमला है हमारा, उसमें से हमने जो भी प्लांट लगाए हैं, कटिंग लगाए, इस तरह रिमूव कर देनी, निकाल देनी है कटिंग, और जो भी एक्स्ट्रा घास वास निकली हो, जो भी हो, सब हमें निकाल देना है, क्योंकि हमें पूरा वर्क तुलसी प्लांट पर करना है। एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण भी है जो, और इसकी पूजा भी होती है हमारे यहाँ। ये देखिए, इसी तरह हमें पूरा क्लीन कर देना है। पहला काम हमने ये कर दिया। क्लीन करने के बाद मिट्टी की गुड़ाई कर दी। आप देख सकते हो मेरी मिट्टी भी एकदम भुरभुरी है, ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं है। हमें क्या करना है, मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके ऐसे ऊपर की लेयर निकाल देनी है मिट्टी की। ऊपर से मिट्टी हमें निकाल देनी है। प्लांट की मिट्टी अगर अच्छी रहेगी, वेल ड्रेन रहेगी और सॉफ्ट मिट्टी रहेगी, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। सर्दियों में बाहर खुले में पड़ा रहा, कितनी ज़्यादा ओस की वजह से प्लांट की हालत कंडीशन ऐसी हो गई है, तो इसी वजह से। ये देखिए, हमने तो एक बार और इसकी गुड़ाई कर लेंगे। इस तरह हमें अच्छे से गुड़ाई कर लेनी। सेम यही प्रोसेस मैंने अपने बड़े वाला जो तुलसी का प्लांट था उसमें किया था, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब नेक्स्ट हमें करना है, इसमें आप गोबर की खाद हो अच्छी से सड़ी हुई, वो बस एक मुट्ठी भर के डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी मुट्ठी भर के खाद डालिए। ऐसे करने से क्या होगा कि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। एक मुट्ठी भर के गोबर की खाद हमें डालनी है। आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो, जो भी खाद हो आप इसमें डाल सकते हो, किचन वेस्ट हो तो भी डाल सकते हो। ये देखिए इसी तरह। और अब मेन ज़रूरी काम है हमें जो करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या काम करना है हमें। इसके बाद आपको जो काम करना है, वो जो हमारे तुलसी के प्लांट में जो आपको प्लांट जैसे दिख रही है, देखिए सूखे हुए डालियाँ ये वाली, ऐसे तो ऐसे कट करके हमें हटा देनी है। आपको लगे कि आपका प्लांट बहुत लंबा जा रहा है, आप उसको हाइट छोटी देना चाहते हो, तो भी इसके देखिए इस तरह से ऊपर ऊपर से सब ब्रांच काट दीजिए इस तरह। और अगर आपका प्लांट ज़्यादा लंबा जा रहा है, उसको हाइट छोटी करना चाहे, तो भी आप कर सकते हो। देखिए इसी तरह आप एक एक करके सब रिमूव कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हमें सारी ब्रांच कट कर देनी है। और इसको कैसी जगह पे रखना है वो भी दिखाता हूँ। और यही सेम काम मैंने एक प्लांट पे भी किया था अभी एक हफ्ते पहले, उसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी मेरा तुलसी का पौधा है, लगभग एक हफ्ते पहले मैंने इसमें ये काम किया था, और देख सकते हो यहाँ पे ब्रांच आप ये देखिए, मैंने जहाँ जहाँ कट किया था वह ब्रांच पे, और नई नई ब्रांच बहुत ज़्यादा निकल रही है। तो इसी तरह प्लांट को घना भी बना सकते हो, बूसी भी,
और मरने से भी बचा सकते हो। तुलसी प्लांट बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है, घर में लगाना बहुत शुभ होता है और इसके मेडिसिनल उपयोग भी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्लांट की जरूर थोड़ी सी केयर कर ले आप, तो आपका प्लांट नहीं मरेगा और मैंने बताया वैसे कीजिए आप, ये देखिए। और इसको अब हमें रखना है क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको सुबह की दो घंटे की तीन घंटे की धूप मिले। अभी गर्मियाँ आएगी तो धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा धूप में हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इनको इसको दिन की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए तो बहुत है। तो इस तरह प्लांट की केयर करोगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो आपको और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस प्लांट में आप वाटरिंग रेगुलर टाइम पे करते रहिए, प्लांट की मिट्टी ज़्यादा सूखने ना दे। ओके फ्रेंड्स, बाय।